हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू एंड सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल ऑन यूट्यूब चैनल। कैसे हो बच्चों? अच्छे हो उम्मीद करता हूँ। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अब तक हम लोगों ने आपको 3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। यदि उन तीन चैप्टरों को पहले से आपने नहीं देखा है तो हमारे सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में उन पहले 3 चैप्टरों को पढ़ें, आप रीड करें और उनके क्वेश्चन आंसरों को देखें। और उसके बाद चौथा चैप्टर है 7th क्लास का, जो कठपुतली है, उस चैप्टर का चौथा पेज है, यानी चैट चौथा अध्याय है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कठपुतली कैसे है। इससे पहले थे हम पक्षी उन्मुक्त गंगे, जो पहला चैप्टर था उसमें पक्षी क्या कह रहे थे उसके बारे में बताया गया था। एक कठपुतली है, इसके बारे में बताया गया था। कठपुतली होती हैं, वो क्या चाहती हैं उनके बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। हम लोग पढ़ते हैं आज से कठपुतली। देखो कठपुतली होती है, जब एक बार कठपुतली क्या बोलती है इसके बारे में बताते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। यानी कठपुतली जो रोजाना वो डांस दिखाती रहती थी, उसके रस्सों से लोग डांस वांस दिखाते हैं, जैसे इस चैप्टर में आपको दिखा रहे हैं कठपुतली को, जो धागों से बंधी होती है और लोग उसको हाथों के सहारे से उसको चलाते हैं। तो एक दिन कठपुतली गुस्से में आ जाती है और आग बबूला होती है और बोलती है कि ये धागे मेरे यहाँ पर पैरों में क्यों बांध रखे हैं, हम मेरे आगे पीछे ये धागे चलते रहते हैं, इनसे इनको धागों को तोड़ दो, मुझे स्वतंत्र कर दो, मैं स्वतंत्र रहना चाहती हूँ, मैं स्वतंत्रता चाहती हूँ, इन धागों को मेरे से हटा लो। तो फिर क्या होता है, इन धागों को कठपुतली गुस्से से उबली बोली ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, यानी कि कट धागे हैं वो मेरे आगे पीछे क्यों बांध रखे हैं, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो और मुझे मेरे हालों पे छोड़ दो, मैं स्वतंत्र रहना चाहती हूँ, मेरे को मेरे हालों पे छोड़ दो, मैं इस तरीके से जीना नहीं चाहती हूँ। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हम अपने मन के छंद हुए। यानी कि ये जब कठपुतलियों का गेम चलता है, प्रोग्राम चलता है, खेल चलता है, तो उसमें और भी कठपुतलियाँ होती हैं। जब एक कठपुतली ने आज़ाद होने की आवाज़ उठाती है तो उस तरीका से उसके साथ में और कठपुतलियाँ हैं, वो भी उसका समर्थन करते हुए बोलती हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए, यानी कि हाँ हमें भी बहुत दिन हो गए हैं अपनी स्वतंत्रता से चलते हुए, हमें भी अपनी स्वतंत्रता चाहिए, और लोगों ने भी उसकी स्वतंत्रता के लिए समर्थन किया था और कठपुतलियों ने। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी है इच्छा मेरे मन में जगी, और दूसरी कठपुतली बोलती है, सोचती है, विचार करती है, जिसने पहले आज़ादी की आवाज़ उठाई थी, कि ये कैसी इच्छाएं मेरे जग मन में जागी हैं। कठपुतली का मतलब ही कठपुतली होता है, कठपुतली यानी कि दूसरों के सहारे पर चलने वाली होती है। यदि इस तरीका से ये धागे मेरे हाथों से टूट जाएंगे, मेरे आगे पीछे से ये धागे टूट जाएंगे, तो मैं फिर चल कहाँ से पाऊंगी। ऐसी उसके मन में द्वारा से इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। तो इस तरीका से ऐसी इच्छा मेरे मन में कैसे आ गई कि मेरे को स्वतंत्र कर दो, यदि इन्होंने मेरे को छोड़ दिया तो मेरा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, मेरे तो आगे पीछे कुछ बचेगा ही नहीं, मैं कैसे चलूंगी, मैं कैसे खड़ी हो पाऊंगी। इस तरीके के उन्होंने उनके मन में विचार आने लगते हैं। जागी ये मेरे मन में जागी, यानी कि इस तरीके के कैसे विचार है जो मेरे मन में जागे हैं, जिनका आगा पीछा करना मेरे लिए बहुत मुसीबत आने की है, यानी इससे तो हमारा अस्तित्व है वो भी खत्म हो जाएगा। और इस तरीके जो अस्तित्व मेरा जब खत्म हो जाएगा तो उससे हमें क्या होने वाला है, इस चीज को उन्होंने देखा था कि उस तरीका से जब कठपुतली है वो अपना समाधान करती है, जब आज़ादी की आवाज़ उठाती है तो बोलती है कि कठपुतली का अर्थ ही होता है दूसरों के हाथों से चलने वाली पुतली होती है, तो मैं तो लकड़ी की बनी हूँ तो मेरे को तो मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, वो इस चैप्टर के माध्यम से आज़ादी की जो कठपुतली है उसकी आज़ादी के बारे में बात करते हैं, और फिर उसके मन में क्या विचार आते हैं, किस तरीके से वो अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए विचार आते हैं उसमें, कि मैं तो मेरा अस्तित्व ही नहीं बचेगा, मैं कठपुतली नहीं रहूँगी फिर, और जब कठपुतली नहीं रहूँगी तो मेरा नाम भी कोई नहीं जानेगा लोग। तो इस तरीके से उसके मन में और भी विचार आने लग जाते हैं, और ये हमारा चैप्टर है 7th क्लास का, चैप्टर नंबर 4 है कठपुतली। बच्चों इस तरीके के और भी वीडियो आपको देखने हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमारी जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाएं, आपको 4th क्लास से लेके 8th क्लास तक की हिंदी सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उनके क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे आपको। लेकिन इससे पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी शेयर करना है और लाइक करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके।
तो बच्चों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू बच्चों।